आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज चैनल। ऐसी ही लेटेस्ट और ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर डीएम व एसपी ने सुरक्षा बलों के साथ भिनगा में रूट मार्च किया। इस दौरान डीएम ने लोगों से निडर होकर मतदान करने और गड़बड़ करने वाले लोगों की पुलिस को सूचना देने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आपको बताते चलें कि जिला अधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने शनिवार को पुलिस व अर्धसैनिकों के बलों के साथ भिनगा में रूट मार्च निकाला। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का, कोविड 19 गाइडलाइन व आचार संहिता का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कोई लोभ लालच देता है तो इसकी शिकायत पुलिस से करें, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। डीएम ने कहा कि अराजकता तत्वों पर नजर रखकर किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदान देश का नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग विधानसभा चुनाव में करना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर पुलिस की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की अफवाह न फैलाने दें। अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर भी पुलिस की ओर से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करते तथा चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परिचित खटाना, उप जिलाधिकारी रोहित, उप जिलाधिकारी आशुतोष, उप जिलाधिकारी मोहित आदि मौजूद रहे।